हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सीनू एंड गप्पू चैनल में। तो आज कुछ धमाकेदार करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपको बताएंगे व्लॉगर का मतलब क्या होता है, कौन है टॉप व्लॉगर। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सीनू एंड गप्पू मेरे साथ हैं तो प्रोबेबली ये भी आंसर दे सकते हैं उसका, और जनता तो माई बाप, आप लोग तो बिल्कुल दे सकते हो आंसर। तो ये कौन है फ्लाइंग बीस्ट, कौन है ये सौरभ जोशी जो व्लॉग्स बनाता है डेली के, क्या आप लोग जानते हैं? नहीं? अच्छा सीनू बताएगी। सीनू, क्या आप फ्लाइंग बीस्ट को जानते हो? आप सौरभ जोशी को जानते हो क्या? आप हमको उनके बारे में बताओ। अच्छा, फ्लाइंग बीस्ट की बेटी का नाम पता है आपको? क्या है, क्या है बताओ? दाशु। अच्छा, कैसे बोलती हो ये बताओ? लालो। तो ये बहुत ही उनका फेमस वाला वो है। तो गाइज, इसको इस प्रचार को करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपने आप को उनसे सुपीरियर दिखाना चाहता हूँ, इस प्रचार को करने का ये मतलब नहीं है कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम सारी फैमिली इन दो लोगों के बहुत ज़बरदस्त फैन हैं, सौरभ जोशी के, और क्योंकि वो एक पहाड़ी आदमी है और पहाड़ियों का पहाड़ियों से दिल से कनेक्शन होता है, ये सब आप लोग जानते हैं। और दूसरा फ्लाइंग बीस्ट, फ्लाइंग बीस्ट का इसलिए फैन हूँ, फर्स्ट तो वो फिजिकली बहुत फिट रहते हैं और मैं भी एक फिटनेस फ्रीक बंदा हूँ, अभी जिम नहीं जा पा रहा हूँ बट फॉर श्योर जल्दी शुरू करूँगा। और दूसरा ये कि वो एजुकेटेड बंदे, दोनों मियाँ बीवी, दोनों कैप्टन रह चुके हैं, दोनों फ्लाइट उड़ाते थे उस टाइम से जब वो फेमस नहीं थे। आज तो सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीस्ट दोनों के 6-6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन वो जब नहीं थे, जब इतने लेवल तक नहीं पहुंचे थे, तब से हम लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के ज़बरदस्त फैन हैं। मिलने का मौका मिलता नहीं है कभी क्योंकि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुके हैं और हम बहुत ही छोटे लेवल पर अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, लेकिन प्रोवोक फॉर श्योर उन लोगों ने ही हमको प्रोवोक किया है, उन लोगों ने ही हमको इंस्पायर किया है कि ये व्लॉग बनाने चाहिए। तो हम लोग इस व्लॉग वगैरह बनाना स्टार्ट किया है सिर्फ उन लोगों को देखते हुए, क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से एकदम से सौरभ जोशी और फ्लाइंग बीस्ट फेमस हुए हैं और हम उनको उससे भी पहले से देख रहे थे। बड़ा अच्छा लगता था, डेली बेसिस का ये हमारा प्लान, मतलब हमारा डेली रूटीन है कि मॉर्निंग में सौरभ जोशी का व्लॉग आता है 8 बजे, वो देखते हैं। और इसको पीयूष बड़ा पसंद है, तो पीयूष के बारे में और उनके डॉगी का नाम क्या है? अच्छा, सौरभ कैसे बोलता है बताओ? छोड़ा आगे है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि पसंद हो जाती हैं, जो कि टैग लाइंस होती हैं इन फेमस व्लॉगर्स की। तो हम भी इन्हीं की पद्धति पे, हम भी इन्हीं के फुटप्रिंट्स पे पीछे पीछे चल रहे हैं। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट यू नो, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रोवाइड यू एंटरटेनमेंट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम आर साइड। और हम लोग इनको कॉम्पीट करना नहीं चाहते हैं, हम लोग इनको ये नहीं कहना चाहते हैं कि तुम लोग से बेटर हम बनना चाहते हैं, बट यस, हम लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं क्योंकि हम लोग आपके ज़बरदस्त फैन हैं। अगर आप लोग फ्लाइंग बीस्ट सर, गौरव तनेजा जी, आप ये देख रहे हो, और या सौरभ जोशी जो कि हमारा पहाड़ी भाई है दिल से, आप अगर ये देख रहे हो तो प्लीज़ ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके सबसे ज़बरदस्त फैन हम हैं। फैन तो सारे होते हैं आपके, आप व्लॉग्स देख लेते हैं, लेकिन आपसे प्रेरित होकर अपने व्लॉग्स बनाना इज आई थिंक मोस्ट ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट अचीवमेंट somebody कैन डू, और दिस इज what वी आर डूइंग फ्रॉम our साइड। तो आपसे बस यही है कि अगर आप ये देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं देख रहे हैं उनके फैंस अगर देख रहे हैं तो ये मैसेज उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं कि आपकी एक फैमिली, फैन फैमिली यहाँ पे भी रहती है जो कि आपके व्लॉग्स देखती है और आपसे प्रेरित होकर अपने व्लॉग्स बना रही है। सो ठीक है, धीरे धीरे हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, बट डेफिनेटली हम इन दोनों के बहुत ज़बरदस्त फैन हैं और अगर आगे टाइम मिला तो हम इनसे मिलना ज़रूर चाहेंगे। तो स्पीच बड़ी लंबी हो गई है, थोड़ा सा अपडेट अपने बारे में भी दे दूं गाइस। कल हम वैक्सीनेशन करवा के आए हैं, कोविड के अगेंस्ट जंग जारी है, कोवैक्सीन लगवा के आए हैं। थोड़ा सा हाथ में दर्द वगैरह है, बुखार उखार कुछ नहीं आया क्योंकि हमने कोवैक्सीन ली थी, कोवैक्सीन से बुखार वगैरह ज़्यादा नहीं आता है। और थोड़ी सी हरकतें हम आपको दिखाएंगे। सीनू, ये देखो, सीनू को एक पजामा थोड़ा सा लंबा हो रहा था, तो सीनू ने उस पजामे को मम्मा से कटवा के हाथों में बाहुबली की तरह पहन लिया है और बड़ी खुश हो रही है सीनू इससे, और पजामा टाइट लग रहा था तो इसने बाजू कटवा के हाथ में पहन लिया। और पजामा तो दिखाओ खड़े होके, और ये देखो चड्डी बना दी है पजामे की। और मैं सबसे ज्यादा टेंशन में आजकल चल रहा हूँ क्योंकि मैं पानी आ नहीं रहा, जैसे मैं आपको रोज बताता हूँ, पानी पानी पानी, त्राही त्राही मची हुई है, रोज मैं आपको ये चीज बताता हूँ। अब मैं आज सुबह इतनी ज्यादा टेंशन होगी, मैंने अपने बालों को ऐसे किया और हाथ में बालों का गुच्छा निकल आया। अब गाइस देखो, मैं जल्दी इसका मतलब कि गंजा हो जाऊंगा अगर ये सिचुएशन रही, और आई डोंट नो आगे कैसे डील करना है इस प्रॉब्लम को, क्योंकि जलजीरे से जब कोई नहाता है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि उसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। मेरे तो बाल उखड़ने शुरू हो गए, आप लोगों के साथ क्या हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ ये वाला शॉर्ट का एंड करते हैं, बहुत लंबी स्पीच हो गई है, मोर देन 4-5 मिनट्स ऑलमोस्ट। तो इस शॉर्ट का एंड करने से पहले मैं दो चीज़ें ज़रूर कहूँगा, पहली तो ये कि फ्लाइंग बीस्ट अपनी बेटी को कैसे कहते हैं दोबारा बताओ? लालो। और सौरभ जोशी कैसे कहते हैं अपने ओरी को? बोलू।
छोलदा आ गए। चलो गाइस आगे की एक्टिविटीज दिखाते हैं आप। गाइस आज बड़े पुराने एक मित्र का मैसेज आया मुझे, उसका नाम है जोगिंदर यादव, जो कि हमारे साथ पालन में पहले से रहता था और स्कूलिंग मेरे साथ करी हुई है, उसने पढ़ा है मेरे साथ, बहुत ही अच्छा बंदा है वो, मतलब दोस्ती निभाने वाला बंदा है। आज मुझे इनवाइट भी कर रहा था कि आ यार कभी मिलते हैं, ये है वो है, तो स्कूलिंग मैंने साथ में करी है, हम पड़ोसी भी थे वहाँ साथ में रहते थे, बट यार मौका ही नहीं मिलता आजकल पूरा, आपको पता है पेंडेमिक में इधर उधर जाना कितना प्रॉब्लमेटिक हो गया, बट डेफिनेटली मैं उससे मिल के आऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि मेरा फ्रेंड वो है जो मुझे इन्वाइट कर रहा है मिलने के लिए, तो कभी मौका मिला तो डेफिनेटली किसी वीकेंड में उससे मिलने जाऊँगा, फिर उसका ब्लॉग बना के आपको जरूर दिखाऊँगा। तो जोगिंदर आई एम कमिंग बॉस। बोल तो, 3, 2, 1, 5, 4 खड़क पीट दे, से पीट दे गप्पू भैया को पीट दे। अच्छा ऑलमंड्स तो खा लो यार, आपको ऑलमंड्स मम्मा देती है, आप खाते हो नहीं। अच्छा हाथ में क्या पहन रखा है? ओए रुला मत यार गप्पू, उसको सीनू नहीं नहीं करी है आपने आज। अच्छा ये देखियो नीचे क्या फैला है, ऐसे कोई अपने घर को फैलाता है? नहीं गप्पू ने फैलाया, मैंने नहीं फैलाया। आपने फैलाया ये? मैंने नहीं, ये तो झूठ बोल दिया है। बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो। मम्मा पिट्टी कर देगी मेरी तो नहीं बताना ना तो। और हम चॉकलेट लाएंगे, मम्मा ने देख लिया तो मैं छुपा के लाऊंगा ना, छुपी से छुपा के लाएगी। अच्छा जा फ्रिज में से निकाल ला। चुपके से चोरी, भागा जल्दी बंद करके, भागा जल्दी, उनके चोर चोर पकड़ लिया जाएगा। पर फ्रिज तो बंद कर लाटी। वाओ बाहर कितना सुंदर मौसम हो रहा है, तो बारिश आएगी लग रहा है ना, मजा आ रहा है। बोलो बारिश आती तो को हम सब में जाकर ना बाटी लेके नहाते थे। किसकी छत पे नहाते थे तुम कब? 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ तुझे। पुन्नू की दादी की छत में, पुन्नू की दादी की छत में नहाते थे आप? तो पुन्नू की दादी की छत क्या वो जमुना पार है? गपोड़ी कहीं की, इतनी गप्पे मारती है, पता है नहीं कुछ भी। ये भैया ने बनाया तो खराब क्यों कर रही है पूरा? क्योंकि मैं ड्राइंग बनाती हूं ना, तो हटा दे जंगल की। हट 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 हट। क्लास लेती है तू? हां 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 लेती हूं जंगल की, मैं इसकी पूंछ काट के लेता हूं। सीनू को वन-टू आता है? हां हां वन-टू 3-4-5 भाई। भाई कैसे? ऐसा दे भाई। डर है कैमरा, ये है कैमरा, ये दे भाई। अरे अरे भाई पढ़ाई भाई। शिनू पढ़ाई करती है? हाँ देखो। अपने भैया को मारती है? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है। मार दिया, हाँ मार दिया। नहीं मेरे दादी को नहीं मारो। क्यों मार दिया? नहीं मारने पीटो पीटो मारो। नहीं मारने।
वाह क्या मस्त मौसम हो रहा है, ओ कितनी बारिश हो रही है, झमाझम झमाझम डिंग 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 डिंग, ढोल बजाओ ढोल बजाओ ढोल बजाओ। ए बारिश में ढोल बजाते हैं। शिव नहाएगी बारिश में? हां। फेंक दो आपको बाहर। शिव जो डांस करियो। ओ नचो 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 डिंग 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 हमें नई नई फ्रॉक पहनी है और नई नई करके बारिश खट्टा करेंगे और मीठे पानी से हम नहाएंगे, कूलर भी कर सकते हैं। कौन सा मीठा पानी है? बारिश का। बारिश बारिश का। हाँ। मैं अभी ग्लूकोन-डी बनाने जा रहा हूँ, चार ग्लास मम्मा के लिए, मतलब इसमें मेरे लिए, सीनू के लिए, डैड के लिए और मम्मा के लिए। चलो मैं बनाता हूँ। किससे साफ कर रही है? देखो डोरी से, देखो कितना काला काला निकल जा रहा है। ये काला काला निकल गया। ये है क्या? काला काला दरवाजा का। नहीं ये साफ किससे कर रही है? कॉटन से। आप बताएंगे सीनू क्या प्रॉब्लम है आपको? इस फोटो में क्या आ रहा है आपको पता है? क्या आ रहा है? आप आपने ये बिस्किट यहाँ पे क्यों लगा रखा है? आपने बिस्किट यहाँ पे क्यों लगाया जल्दी बताओ? फ्रेंड्स आपसे इसका आंसर चाहते हैं, ये बिस्किट यहाँ पे क्यों लगाया है? गप्पू थप्पड़ है। बताओ नन्नू है? आपको शर्म नहीं आती नन्नू में यहाँ पे बिस्किट लगाते हैं? नहीं है। है? पजामा पहना था। अच्छा जी पजामा पहना था, उतार क्यों दिया फिर? पहचान मत करो सर। वाह मैं नेट चेक कर ली हूँ, नेट नहीं आ रहा। नहीं आया बाबू, नेट आ ही नहीं रहा। चेक कर लियो जिसमें था, अब टीवी को चला रहे तो इसमें कर लो ना लैपटॉप में। क्या लैपटॉप में कर लो ना? क्या कर लूँ लैपटॉप में? लैपटॉप में देख लो ना टीवी। लैपटॉप में टीवी कैसे देखते हैं? ऐसे। चुप कर मोटू। गाइस आज मेरा मूड खराब है क्योंकि आज मैंने ट्यूशन में पिटाई खाई क्योंकि मैंने काम नहीं करा और गेम खेल रहा था। तो जब भी गेम खेल रहा था पहले अपना काम देखे, काम पूरा करे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। तो गाइस मेरे को लेसन मिला है कि पहले पढ़ाई करनी चाहिए फिर गेम खेलना चाहिए। तो पढ़ाई करके पहले गेम खेलना चाहिए, अपना सारा काम पूरा होता है। सही कि इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।